तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आज हम सब लोग को दे दिया है एंड ऑब्वियसली आप में से ज्यादातर लोग अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे। बिटकॉइन के इथेरियम के बारे में तो डिस्कशन रहने ही वाला है, लेकिन मेजरली ज्यादातर लोगों को अगले बुल रन की प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, तो मेरा भी फोकस ऑब्वियसली उसी के ऊपर रहता है कि कैसे हम आने वाले इस बुल रन के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए या फिर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें 20-30 या फिर 50x तक का मुनाफा दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनको हमें समझना पड़ेगा एंड वी नीड टू कीप एन आई कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कब और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे एंड अगर इंफॉर्मेटिव लग जाए तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि बुल रन के अंदर हर कोई पैसा बनाना चाहता है एंड अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं तो वो आप लोग को जिंदगी भर दुआएं देगा। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहली चीज कि हम लोग की जो BTC की ट्रेड चल रही थी उसके अंदर हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है एंड वो ट्रेड हम लोगों ने $42,600 के ऊपर आप सभी लोगों से एंट्री करवाई थी जिस वक्त मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन चल रही थी, यानी कि FOMC वाली जो सिचुएशन आई थी हम लोग के साथ रिसेंटली पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसी वक्त आप लोग को एक एंट्री जोन बताया गया था। आप सभी लोग टेलीग्राम के ऊपर अगर कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों जगह पर दिया हुआ है, तो जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। इस चार्ट के बारे में आप लोगों ने काफी बार डिस्कस किया होगा, ये वीकली चार्ट है हमारा BTC का, जहां पर मार्केट के अंदर आप लोगों को $48,000 to $52,000 के ऊपर टारगेट दिया गया था, मार्केट $49,000 तक जाकर आया एंड एग्जैक्टली हमारे इस रेजिस्टेंस के आसपास से ही रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ जब आ रहा था, वी गेव यू द कंफर्मेशन दैट यस वीकली चार्ट के अंदर यहां पर एक कंफर्मेशन की पॉसिबिलिटी है एंड विच वॉज अराउंड $38,600। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक कंफर्मेशन लिया, 38,524 तक मार्केट गया एंड यहीं से ये जो जोन आप लोगों को बताया था विच वॉज कॉल्ड एज डिमांड जोन, क्योंकि यहां पर काफी बार BTC वीकली चार्ट के अंदर आया है एंड अपनी मूवमेंट को स्टेबिलाइज करने की कोशिश की एंड इंप्रूव करने की कोशिश की है। दैट इज हाउ वी ट्राइड कि हम लोग यहां पर एक प्रॉपर डेली चार्ट के अंदर एक जोन आते ही हम लोग यहां से ट्रेड को प्लान करेंगे एंड ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने एक ट्रेड को प्लान करके मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन और एक विनिंग हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। द सेम वे इथेरियम के अंदर भी हमने ट्राई किया एंड आप देख रहे हैं कि इसी जोन के ऊपर हमने काफी बार आप लोगों को ट्रेड्स दी भी है, ट्विटर के ऊपर भी दी हुई है, इसीलिए कहता हूं ट्विटर और टेलीग्राम दोनों के ऊपर आप लोगों के नोटिफिकेशन जब तक ऑन रहेंगे तब तक आप लोग हर प्रकार के बेनिफिट वहां पर ले पाएंगे। जैसे रिसेंट के अंदर अगर मैं आज की बात करूं तो आप लोग को ट्विटर के ऊपर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज के बारे में बात करें, वो क्या है कि जो आज हम लोगों ने एक एयरड्रॉप के बारे में डाला है निब्रू के बारे में। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के वाकिफ ही नहीं है कि यह है क्या, तो बहुत सारे इश्यूज लोगों को रहते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करते। अब फिलहाल की अगर मैं बात कराऊं तो निब्रू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट दिलाने के अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि जो हमारा बुल रन आने वाला है उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके अंदर बेनिफिट हमें कैसे मिलता है, क्यों मिलता है या फिर कितना मिलता है, ये सारी चीजों के बारे में रिसर्च हर कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ जाए, किसी अच्छे एक्सचेंज पर आ जाए, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर फोकस करें। नहीं, हमें प्रोजेक्ट की रिसर्च काफी पहले से करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही निब्रू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोग को क्रॉस चेन वर्क करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो उसी को लेकर एक एयरड्रॉप आ रहा है एंड उस एयरड्रॉप के अंदर आप लोग को ज्यादा कुछ क्या, सिर्फ थोड़े बहुत जो चीजें हैं वो परफॉर्म करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम जीरो रहती है आप लोग की। तो इस थ्रेड को आप पूरा पढ़िएगा एंड ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज को देखें कि कहां पर आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये कॉइन लिस्ट के ऊपर, इसके बहुत सारी चीजें जो कॉइन लिस्ट के थ्रू आ रही है एंड ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट खुद ही कॉइन लिस्ट के थ्रू आप लोगों के सामने आ रहा है एंड उसके अलावा जो इसके पार्टनर्स हैं या फिर जो भी चीजें वो आप लोगों के यहां पर नजर आएंगी एंड उसके जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को परफॉर्म क्या करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को एयरड्रॉप के अंदर कैसे क्लेम करना है या फिर क्या पार्टिसिपेशन स्टेप्स रहेंगे, ये सारी मैंने यहां पर समझा रखी है। बट स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए कि निब्रू को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो आना चाहिए तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहूंगा, क्योंकि ये एयरड्रॉप आप लोगों को बहुत बड़ा मुनाफा दे करके जा सकता है। एक बार की एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, वो है कॉइन लिस्ट लॉन्च पैड, इसके थ्रू निब्रू आ रहा है तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि निब्रू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को बेनिफिट दे सकता है। अब यहां पर अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को समझाऊं तो
ये जो कॉइनलिस्ट है, कॉइनलिस्ट के लॉन्च पैड के ऊपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनको हम लोग अगले बुल रन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। मीना के बारे में आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं, ओशन प्रोटोकॉल को लेकर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं, नियर प्रोटोकॉल को लेकर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं, इम्यूटेबल एक्स IMX सजेस्ट कर चुका हूं, सोलाना जो हम लोगों ने $9 के आसपास लिया था ये भी सजेस्ट कर चुका हूं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं, तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि निब्रू भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो एयरड्रॉप के ऊपर काम करना ही वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे लिए क्या जरूरी होता है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तब हम इसके अंदर कैसे एंट्री ले सकते हैं, वो मैं ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सोलाना या फिर ये जितने भी कॉइन्स आप देख सकते हो कि इनकी टोटल कितने ज्यादा एक्स की रिटर्न के ऊपर अभी है और कितना ऑल टाइम हाई के एक्स इन लोगों ने रिटर्न्स दे दिए हैं, तो इस सारी चीजों को चेक किया करो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि वो इतनी डीप रिसर्च नहीं कर पाते, तो ये सारी डीप रिसर्च आप लोगों को हमारे पास मिलती रहती है। इसीलिए कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो क्योंकि वहां पर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं देते रहता हूं कि कहां पर और कैसे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। एक और प्रोजेक्ट है GT प्रोटोकॉल, ये भी आप लोग का एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड ये मार्केट के अंदर कुछ ही दिनों पहले आया है। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आया है जिसके ऊपर आप लोग काफी बार बेनिफिट ले भी चुके हैं या फिर पहले भी आप लोगों ने बेनिफिट लिया होगा एंड उसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, वो है चेन GPT। अब यहां पर CGPT का जो लॉन्च पैड है, चेन GPT का जो लॉन्च पैड है उसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, या फिर IBM मैजिक स्क्वायर का नाम आप लोगों ने सुना है क्योंकि वहां पर भी हमने अपनी कुछ एंट्रीज बनाई है। सॉलिडस आया रिसेंट के ऊपर, बहुत ज्यादा चर्चा के ऊपर, एंड करंट के अंदर जो चर्चा के ऊपर है वो है GT प्रोटोकॉल और एक अच्छे रिटर्न के साथ है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम लोग एंट्री बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, इसीलिए आप लोग को मैंने यहां पर इस प्रोजेक्ट को लेकर भी ये कहा है कि आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हमने 3 एंट्री पॉइंट्स बनाए, 30% हम लोग $2 के आसपास इन्वेस्ट करने वाले, 40% $1.7 के आसपास इन्वेस्ट करने वाले, रिमेनिंग 30% हम लोग 1.32 के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले। अब आप लोग कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो किस प्रकार की रहेगी, तो मैं आप लोग को हमेशा से कहता हूं कि हम लोग 40% BTC के अंदर रखते हैं, यानी कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर हम लोग को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है, एंड अगर वो बढ़ता है और बाकी सारों की तरफ कुछ ऊपर नीचे की सिचुएशंस भी हो जाती हैं तो हमारा वही जो उधर का प्रोजेक्ट है वो इतना ज्यादा ग्रोथ दे देता है हमें कि हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 40% और 20%, 60% तो हमारा ऑलरेडी साइड है, 40% इज फॉर BTC, 20% इज फॉर इथीरियम, रिमेनिंग 20% हम लोग के ऑल्ट कॉइन्स होते हैं और बचा हुआ 20% होता है जो हम नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब उस 20% के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को डालते हैं जो अगले बुल रन के अंदर हमें नए आकर के अगले बुल रन के अंदर इतने गुना का प्रॉफिट दे जाते हैं कि वो रिमेनिंग 80 को भी ढक देता है बहुत बार। तो इसीलिए मैं आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाता हूं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम चले आगे तो निब्रू की हमने डिस्कशन कर ली, तो अगला आता है यहां पर एक्स स्वैप। इसके ऊपर भी मैं अपनी पूरी तरीके से दिमाग लगा रहा हूं, पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहा हूं, ये भी आने वाले टाइम के अंदर आप लोग के सामने नजर आएगा एंड ये ऑब्वियसली क्रॉस चेन स्वैप्स के ऊपर काम करेगा एंड इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आ रहा है सामने वो है चेन लिंक। चेन लिंक के बारे में कौन नहीं जानता है आज के टाइम के अंदर, लिंक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट पिछले बुल रन के अंदर दे चुका है एंड इस बार भी चेन लिंक इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है एक्स स्वैप को एंड ऑब्वियसली हम लोग यहां पर एक अच्छा खासा बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग के सामने आएगा मैं आप लोग इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। एक और प्रोजेक्ट है सतोशी सिंक, जैसे क्रॉस चेन के ऊपर आप लोग का एक्स स्वैप काम करता था, ये जो है सतोशी सिंक ये BRC20 के ऊपर ज्यादा काम करता है। BRC20 का इस्तेमाल करके अगर आप बाकी सारी चेन्स के अंदर अगर आप स्वैप करना चाहते हैं, क्रॉस स्वैप्स करना चाहते हैं यूजिंग BRC, तो आप लोग के लिए ये प्रोजेक्ट काम में आने वाला है एंड ऑब्वियसली BRC की जो हाइप है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी हमें एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स नए हैं एंड यहां पर किसी भी प्रकार की आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को इन्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू टू आप लोग को इनके ऊपर आंख बना करके रखनी है। जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे आप लोग को वीडियो या फिर ट्विटर के ऊपर मुझे ऑब्वियसली कमेंट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि इनको हम लोग कब और किस प्रकार से बाय कर सकते हैं। अब हर कोई इन्हें प्राइवेट राउंड के अंदर या फिर ये सारी जगहों पर बाय नहीं कर सकता कि मार्केट में आने से पहले हम इन्हें खरीद ले, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों के दिमाग के अंदर रहने चाहिए कि अगले बुल रन के अंदर हमें मुनाफा दे सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग को फिलहाल के लिए मुनाफा दे सकते हैं, तो मैंने आप लोग को काफी बताया, इम्यूटेबल एक्स हो गया, ओशन प्रोटोकॉल हो गया, नियर प्रोटोकॉल हो गया, सोलाना हो गया, ये सारे आप लोग को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट दे सकते हैं एंड आप लोग को ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बताए थे जो अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने रिसेंट में ID को देखा, EDO को देखा, ये भी नए प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अच्छे खासे पंप कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से आप देखो, तो इन प्रोजेक्ट्स ने आप लोग को अच्छा खासा बेनिफिट दिया होगा।
तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर नजर बना करके रखना हमारे लिए लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इनमें से कौन से प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना है वो भी मैं कमेंट बॉक्स के अंदर देखना चाहूंगा। अब एक बार के लिए बीटीसी की बात कर लेते कि बीटीसी अगर $45,000 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 48 या 52 को टच कर सकता है, एंड आफ्टर वी क्रॉस 52 एंड सी ए कैंडल क्लोजिंग तभी जाकर के हम मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। एल्स मैं अभी भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट 44-45 से एक रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर रिजेक्शन नहीं लेता है और कैंडल क्लोजिंग हमें ऊपर दिखाते रहता है देन यस ऑब्वियसली वी आर इन अ बुल रन, तो मार्केट के अंदर कभी भी कैसी भी मूवमेंट बन सकती है। तो हर चीज हम लोग सिर्फ क्लोजिंग्स और रेजिस्टेंस के क्रॉस के ऊपर क्लोजिंग्स हमें मिल जाती है तो उसके कंफर्मेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। फॉर नाउ हमारा जो टारगेट था 44 से 45 के बीच वो अचीव हो चुका है, एंड इसके बाद कैंडल क्लोजिंग किस प्रकार की होती है उससे रिलेटेड मैं आप लोग को अपडेट्स डेली टेलीग्राम के ऊपर देता रहूंगा। तो इसी के लिए कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वीडियोस तुरंत ही तुरंत बनने पॉसिबल नहीं हो पाते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को बीटीसी की लॉन्ग की ट्रेड दी वो सक्सेसफुल हुई तब जाकर आप लोगों के सामने वीडियो आ रहा है, ठीक वैसे ही आगे जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या हम लोग रिवर्स मोड के अंदर काम करेंगे या फिर ऊपर के वे के अंदर चलने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि सारे अपडेट्स लेने की टाइम टू टाइम कोशिश किया करो। वीडियो या फिर बताई गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को काम की लगी कि नहीं, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, वो जरूर मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा क्योंकि ये सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप लोग को हर कोई इन्फॉर्म करने की या फिर बताने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कब तक आएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पर मिलती रहती है। तो जरूर चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें एंड सजेशंस जो भी है वो जरूर दें। निब्रू के एयरड्रॉप के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए कि नहीं उसके ऊपर मैं कमेंट आप लोग के एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जरूर चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग के सवाल आए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।